शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने वाले हितग्राहियों को अब राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के केवाईसी अपडेट कराने होंगे, जिसको लेकर सभी राशन दुकान संचालकों को निर्देश दिए गए हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जमीनी क्रियान्वयन करते हुए शासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने हितग्राहियों को अब अपने राशन कार्ड में केवाईसी अपडेट कराना जरूरी हो गया है, जिसमें घर के सभी सदस्यों को केवाईसी कराना पड़ेगा। हम आपको बता दें, खाद्य नियंत्रक ने जिले के सभी राशन दुकान संचालकों को केवाईसी कराने के निर्देश दे दिए हैं, जिसकी तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है, ताकि खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। वहीं विक्रेता द्वारा ई पास उपकरण में प्रत्येक सदस्य के अलग अलग फिंगरप्रिंट स्कैन करवा कर केवाईसी किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर ने जानकारी दी। एईपीडीएस के अंतर्गत वन नेशन कार्ड वन राशन कार्ड जो है तो लागू है, जिसके कारण जो है केंद्र सरकार ने केवाईसी करने के लिए सभी हितग्राहियों का निर्देश जारी किया गया है। उसके तहत जो है तो केवाईसी की जा रही है। केवाईसी करने से यह है कि माने ताकि हमारे हितग्राही अदर स्टेट में जाएँ तो उनका आधार डिफरेंट ना हो, उनको जो है अदर स्टेट में भी सामग्री मिल सके, इसलिए केवाईसी किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही जो है तो उनका केवाईसी नहीं किया जाना है जिनका अंगूठा नहीं आ रहा है, जिनको जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए नॉमिनी नियुक्त किया गया है, अथवा 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनका केवाईसी नहीं करना है, उनके लिए जो है छूट दी गई है। बाकी जो है सभी हितग्राहियों का लगभग जो है तो दुर्ग जिले में 4,59,000 राशन कार्ड हैं और 16,000 हितग्राही हैं, सदस्य हैं, तो सभी का जो है केवाईसी किया जाना। जिनका जो है थंब नहीं लग पा रहा है तो उनको एक बार तो पहले जो है तो आधार सेंटर में जा करके अपना आधार अपडेट करवा लें, उसके बावजूद भी जो है तो थंब नहीं लग पा रहा है तो उनको जो है नॉमिनी नियुक्त करने का प्रावधान है, और नॉमिनी जा करके जो है अपना थंब लगा करके उनको राशन पहुँचाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।